हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले सेशन में हम सभी ने साइंस के बारे में अध्ययन किया था। वहां हमने साइंस क्या होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, उसके बाद से हमने फिजिक्स का डेफिनेशन देखा था। आज के सेशन में हम लोग जो है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एंड व्हाट हैपेंस टू देम इन डिफरेंट कंडीशन व्हेन मिक्स विद इच अदर, यानी कि पदार्थों की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन, पदार्थों की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन और एक दूसरे के साथ मिश्रित होने पर विभिन्न स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम लोग जो है वो रसायन शास्त्र करते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र जो है वो एक विषय है जिसके माध्यम से हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं और एक दूसरे के साथ मिश्रित होने पे, या जब दो वस्तु एक दूसरे के साथ मिश्रित होंगे, एक दूसरे के साथ विभिन्न स्थितियों में जब मिश्रित होंगे तो उनके साथ कौन सी घटना उत्पन्न होती है, इसके बारे में अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र कहलाता है। बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी जो है वो एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसके माध्यम से हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि जो सजीव प्राणी होता है उनके लाइफ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब लाइफ इन द सेंस हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारे शरीर की जो है वो बनावट किस तरह से हुई है उसके बारे में अध्ययन करना, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं यानी कि कौन कौन सी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में अध्ययन करना, डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के बारे में अध्ययन करना और अन्य बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और विभिन्न परिस्थिति में जब दो तत्व एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो कौन सी घटना उत्पन्न होगी, इसके बारे में भी हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ से जुड़ी हुई बातों को जानते हैं, यानी कि जो सजीव प्राणी है उसके जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन और अन्य बहुत सारे प्रोसेस उससे जुड़े हुए हैं। अब हम लोग जो है वो फिजिक्स चैप्टर में ही आगे बढ़ेंगे। तो फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो कि वर्ग 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य होता है, वो है चैप्टर लाइट यानी कि प्रकाश। लाइट चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइट। डेफिनेशन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का डेफिनेशन क्या होता है। तो लाइट का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी का एक सोर्स होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है, स्रोत होता है, दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो वस्तु है उसको देखने की शक्ति हमें प्रदान करता है या उसको देखने में हमें सक्षम बनाता है। तो लिखेंगे हम लोग लाइट इज अ फॉर्म या सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म या एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का रूप या फिर ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग अपने चारों तरफ के वस्तुओं को
हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइट के माध्यम से। आगे हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में या सिंपल लाइन में जो है वो ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग ये जानते हैं कि लाइट के माध्यम से हमेशा जो है वो शैडो का निर्माण होता है। लाइट अगर हमारा छाया बनता है, शैडो का अर्थ होता है छाया या परछाई, तो अगर हमारी परछाई बनती है तो उसके पीछे जो है वो लाइट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं करता हो, तो कोई भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो उस पे जब रे ऑफ लाइट फॉल होगा, प्रकाश का किरण जब पड़ता है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो है वो लाइट पास नहीं करता है और ना करने के कारण ही जो है वो शैडो का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंड पार्ट हम लोग देख सकते हैं कि लाइट ऑलवेज कास्ट्स शैडो, यानी कि लाइट जो है वो हमेशा ही शैडो का फॉर्मेशन करेगा। तीसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश जो है वो हमेशा विद्युत चुंबक के तरंग के रूप में गमन करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो तीन प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ा, लाइट ऑलवेज ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज कास्ट शैडो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट के पास जो है वो ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर कौन कौन सा होता है, तो एक जो है वो वेव होता है और दूसरा जो है वो पार्टिकल्स होता है। तो चौथा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव एंड पार्टिकल्स। लाइट हैज ड्यूअल नेचर दैट इज वेव एंड पार्टिकल्स, ये जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गया। लाइट का जो है वो प्रॉपर्टीज हो गया, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज कास्ट शैडो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट हैज ड्यूअल नेचर दैट इज वेव एंड पार्टिकल्स। अब यहाँ पॉइंट ये है कि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करता है। जैसे ये मान लेते हैं हमारा जो है वो सन है और ये जो है वो मेरा अर्थ हो गया। तो सूर्य का प्रकाश अर्थ पे जो है वो हमेशा ही सीधी रेखा में आता है। ये हो गया पहला कंडीशन, हमने ये प्रूफ कर दिया कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर कोई रफ सरफेस हो, क्वेश्चन ये आता है अगर कोई रफ सरफेस हो तो वहां पे जो है वो प्रकाश किस तरह से ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम ये जो है वो सन है, यहां से इस रफ सरफेस पे जो है वो लाइट फॉल किया, तो यहां हम देख सकते हैं कि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही फॉल कर रहा है। अब यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा
वो हमारा जो है वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, यानी कि रिफ्लेक्शन इन द सेंस हो गया कि यहां पे एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल में नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, अब और भी कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।